हेलो हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 2A, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा, फिर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग, जो नीचे आपके सामने टोटल 9 एक्सप्रेशंस है पॉलिनोमियल्स के, इनमें से आपको छांटना है, इनको कैटेगराइज करना है कि कॉन्स्टेंट कौन सी है, लीनियर कौन सी है। लीनियर मतलब जिसमें x की पावर 1 हो, मैक्सिमम मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, x की मैक्सिमम पावर 1 हो। कॉन्स्टेंट के केस में उसकी डिग्री 0 होती है पॉलिनोमियल की, मतलब उसमें एक्स होता ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे कि ये -13 है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी अंदर डिग्री 2 हो जिस पॉलिनोमियल की, और 3 हो अगर क्यूब, जो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और 4 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? तो इनमें से हम अब छांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो जो पहला है इसमें एक्स की पावर 1 है, डिग्री इसकी 1 है, इसलिए ये आएगा लीनियर पॉलिनोमियल में। और मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, एक्स -7 था, ठीक है। नेक्स्ट है 6y, इसमें भी वेरिएबल कि जो डिग्री है वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6y भी लीनियर पॉलिनोमियल में ही आया। पावर 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में -z³। फिर ये भी इसके अंदर भी डिग्री क्या है, 3 है, राइट। तो जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये आएगा इसमें 1 -y -y³, ठीक है। तो मैंने सारे का एक कॉलम बना, मतलब इनके कॉलम्स बना लिए, और इनको इसी तरह से यहाँ पर लिख दूंगा, नहीं तो हर एक के सामने लिखना पड़ता है कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है ये, इसके अंदर पावर 4 है, इसका मतलब हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, x -x³ + x⁴। नेक्स्ट है 6th, ये इसमें पावर 2 है, इसका मतलब ये डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 1 + x + x², इसको आप लिख सकते थे वैसे भी, चलिए मैं इसको अब ऐसे ही लिख देता हूँ जैसे है वैसे ही, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते। 7th है -6x², तो ये भी पावर 2 है, डिग्री 2 है इसकी, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में -6x². नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट है ये, तो -13 कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में गया। -p है, इसमें डिग्री 1 है क्योंकि कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी, जैसे ये था, जैसे ये और जैसे ये, ये तीनों के तीनों लीनियर पॉलिनोमियल में आए हैं, तो -p। तो लीनियर पॉलिनोमियल में 3 पॉलिनोमियल्स आए हैं गिवन में से, 2 आए हैं क्वाड्रेटिक में, 1 आया है क्वार्टिक पॉलिनोमियल में, और 2 आए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। टोटल 9 थे ये, 1, 3, 4, 2, 6, 7 and 2, 9 सारे आ गए। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है ये सॉल्यूशन। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, आपने करना है वीडियो को लाइक, करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, शेयर करना है अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।